हाय एवरीवन, मैं हूं जीत एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लिटिल नाइटमेयर की सीरीज को। एंड गाइस, जो आप ये क्लिप्स देख रहे हो ना, ये पिछले मिशन के रिकैप्स हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़बरदस्त मिशन था। एंड भाई लोग, पिछले एपिसोड में इन हरामी बच्चों ने मेरे दोस्त को किडनैप कर लिया था, लेकिन भाई मैं कैसे भी करके उसकी जान को बचा लेता हूँ, लेकिन अभी अपना खतरा टला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे की कहानी को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हमारे मिशन की शुरुआत हुई है एक तहखाने से। यहाँ पर एक पियानो रखा हुआ है भाई, लेकिन इससे अपने को क्या लेना देना। लिटिल, हमें रास्ता ढूंढना होगा यार यहाँ से निकलने के लिए। सामने एक हैंडल दिख रहा है, इसको चल के खींचता हूँ, हो सकता है कोई गेट वेट खुल जाए भाई सीक्रेट सा। चल लिटिल खींच। लेकिन ये क्या यार, ये तो पियानो ऊपर उठ रहा है भाई। कोई दरवाज़ा चाहिए अपने को, इससे क्या फ़ायदा होगा यार। अच्छा भाई, अपने को ये फ़ायदा होगा। लेकिन यार ये पूरा टूटा भी नहीं कि हम नीचे चले जाते। ओह, ये काम भी कर रहा है। चल लिटिल, मजे मत ले भाई, हमने को सफ़र कंटिन्यू रखना है। ये क्या कर रहे हैं यार दोनों, क्या बात है यार। ये दिन प्रतिदिन दोनों ना होशियार होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ताला है यार, इन तालों से मैं परेशान हो गया। अब अपने को कोई चाबी ढूंढनी पड़ेगी, आसपास होनी चाहिए। सामने तो गेट बंद है, लेकिन मेरा दोस्त कहाँ जा रहा है। वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है शायद, मैं जा सकता हूँ। ये क्या यार, यहाँ पर तो एक हरामी बच्चा है और उसके पास वो चाबी है। लेकिन ये मार किसको रही है भाई, मेंढक है क्या वो। ओके, अपने को पूरी बात समझ में आ गई। उधर अपना दोस्त इसको डिस्टर्ब रखेगा और मैं इसको बताता हूँ। उधर ही देखना दीदी, ट्रॉफी मिल रही है, ये ले। इसके सिर का तो कचुम्बर बन गया भाई। पहले मैं इस गेट को खोल लेता हूँ ताकि हम यहाँ से निकल सकें। लेकिन यार यहाँ पर कोई और चीज़ मिल जाती अपने को ना, जैसे मिशन पे आगे काम आती कोई हथियार वगैरह, पर इस कवाड़ पे मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा। चल लिटिल, चाबी लेके निकलते हैं भाई, इससे पहले कोई और पंगा हो जाए। भाई इस मिशन पे सही है यार, मेरा दोस्त मेरे साथ है, नहीं तो पिछले मिशन में तो जान निकल गई थी यार उनसे, बुली बच्चों से निपटते निपटते। अगला रूम क्या है, एक मिनट यार, यहाँ पर भी एक है। क्या करने वाला है लिटिल भाई, वो मेरा दोस्त क्यों पास में जा रहा है। छोटे मत जा यार, लिटिल संभाल लेगा। गजब भाई, ये क्या था भाई, पूरा टीम वर्क चल रहा है यार आज तो, मज़ा आ गया यार। मर गया, चल निकलते हैं हम आगे। अरे आजा छोटे, मर गया भाई, उसका दिमाग ख़राब है यार, पिछले मिशन पे इन्होंने कुटाई की थी उसको पकड़ के, हो सकता है इसकी वजह से वो परेशान हो रहा हो। यहाँ से तो जा सकते हैं हम, भाई सामने यार म्यूजिक बज रहा है, और वो भी भाई रोमांटिक सा बन रहा है, किसको रोमांस आ रहा भाई इतने हॉरर सी सिचुएशन पर। सामने तो एक सीढ़ी है, एक गेट भी है, इसको चल के देखते हैं, हो सकता है खुल जाए तो काम बन जाए अपना। नहीं यार, अंदर से लॉक है, अपने को यहीं चलना पड़ेगा। भाई कौन हो सकता है आगे यार, म्यूजिक बजा रहा है इतना, आवाज़ तो इस गेट से आ रही थी, चल के देखते हैं खुलेगा क्या। नहीं यार खुलेगा नहीं, मेरा दोस्त है हेल्प करने के लिए। क्या बात है, शायद ऊपर एक रास्ता है भाई, मैं जा सकता हूँ। खींच के देखता हूँ मैं इसको। नहीं यार ऐसे अकेले तो नहीं खुलेगा,
मुझे रास्ता बनाना होगा कुछ अपने दोस्त के लिए। ये बॉक्स तो है सामने, लेकिन इसका क्या होगा? समझ गया यार, अभी मेरा दोस्त ऊपर आ गया आराम से। अब दोनों मिलके खोलते हैं इसको। चल छोटे, क्या कर रहा है लिटिल यार? अकेले बच्चा परेशान हो रहा है। भाई मेरी सबसे सेफ जगह है ये टनल, यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, सबसे सेफ जगह लगती है मेरे को। ये म्यूजिक कौन बजा रहा है, दिखाओ तो जरा। ओ भाई साहब, ये तो वही टीचर है यार, रबड़ सी मुंडी वाली। लेकिन यार एक चीज नोटिस की क्या तुम लोगों ने, ये म्यूजिक एक पैटर्न पे बजा रही है। सामने यार निकलने के लिए रास्ता क्या है भाई? एक अपने को सामने रैक टाइप का दिख रहा है, लेकिन हम इस तक पहुंच नहीं सकते हैं। कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा भाई, नीचे चलना पड़ेगा थोड़ा सा रिस्क लेकर। चल छोटे, चल के देखते हैं क्या सीन है। बस आंटी जी आप ऐसे ही गाना बजाते रहिएगा। रुक जा भाई, पूरी कहानी समझ में आ गई अपने को। जैसे ही गाना बजेगा हम लोग निस्फिक्र घूम सकते हैं, और जैसे ही गाना बंद हुआ छोटे थोड़ा सा छुप जाना तू। यहाँ पर भी एक लीवर है भाई, इसको मैं खींच के देखता हूँ, हो सकता है ना अपना वो जो स्लैब था वो नीचे आ जाए। रुक जाओ यार, इसको गाना बजान दो। चल छोटे भाई, मन तो कर रहा है यार मैं खींचता जाऊँ और यहाँ के इसकी चटनी बना दे। मेरा दोस्त तो चला गया, मैं छोड़ दूँ क्या इसको? ऊपर तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं ठीक है भाई, रुका हुआ है, रुका हुआ है लिटिल, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम निकलते हैं, काम हो गया अपना। यार ये बंद कर देती है बीच बीच में म्यूज़िक। ओए यार एक प्रॉब्लम और है भाई, मैं इस बोर्ड तक नहीं पहुँच सकता यार, कबर्ड तक। सामने एक छोटी सी टेबल है भाई, अगर मैं उसको खिसका के ला पाया ना मेरा काम बन जाएगा। वैसे ये आंटी बड़ी टैलेंटेड है यार, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, और कल तो पिछले एपिसोड में ये पता नहीं सुपर ह्यूमन बना रही थी, और आज म्यूजिक चालू है इनका। हरजीत सिंह की आत्मा घुस गई इनके अंदर लग रहा मेरे को। चल छोटे खींच के ला, बस अभी अपने को रुकना है थोड़ी देर, अभी शुरू करते हैं। यार आंटी तुम्हें कहा 5-6 मिनट की धुन बना लो, मैं और लिटिल निकलने के बाद डांस भी कर लेंगे। यहाँ से फिलहाल हम जा सकते हैं भाई, अभी चलते हैं यहाँ से। चल छोटे जल्दी गेट खोल यार, इससे पहले उसका म्यूजिक बंद हो जाए। लेकिन एक मिनट यार, हम थोड़ा सा वेट कर ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है आज? वैसे बच गए यार, चल चल जल्दी कर लिटिल, भाई पता चल गया उसको, भाग। ये क्या यार, जैसे ही मैंने बोला बच गए खा गई अपने को। जल्दी भाई फिर से पता चल गया, लिटिल जल्दी भाग। यार ये टनल के अंदर भी आ रही है, लिटिल मर गए आज तो, जान लगा के भाग भाई जल्दी कर। यार इसकी मैं मुंडी काट डालूंगा किसी दिन, जल्दी जल्दी यार। बच गया क्या? नहीं 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 नहीं, फिर से आ रही है। थोड़ी देर के लिए भाई मैं इस टैंक में छुप जाता हूँ। क्या अजीब औरत है यार, इसको चैन नहीं मिलता, रबड़ जैसी मुंडी इधर उधर घुमाती रहती है अपनी। भाई फिलहाल तो बच गए यार हम, और शायद हमने इस डेंजरस स्कूल एरिया को पार भी कर लिया। भाई कौन कहता था कि इस स्कूल को कोई पार नहीं कर पाया। बारिश हो रही है तगड़ी,
लेकिन इसके आगे की जर्नी हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक मैं आपसे लेना चाहूँगा बाय।